इलेक्शंस आने वाले हैं, आगे की रूपरेखा कैसे होगी? क्या आप अकेले आगे जाएंगे या पार्टी के साथ जाएंगे? इसमें मैंने बताया ना, कमेटी भी छोड़ा है। कमेटी जैसा कहे, कमेटी ये कह देगी कि भाई आप पॉलिटिक्स छोड़ दो, मैं पॉलिटिक्स भी छोड़ दूंगा जी। और सर, जिस तरीके से आप थोड़े से नाराज, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? नहीं, कोई नाराजगी मेरी व्यक्तिगत किसी से नाराजगी नहीं है। अब ये 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हरियाणा में, और जो ये जन विरोधी इनकी नीतियाँ रहीं, उसके वजह से हरियाणा में किसान बर्बादी के कगार पे है। तो एक किसान के लिए बात कही हमने कि किसान को कि कर्जे में दब गया, हो लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, तो एक तो उसका कर्जा मुक्त करेंगे किसान का, और भूमि इन किसान उनको भी, और दूसरा 2 एकड़ तक की ज़मीन जिस किसान की होगी उसको हम फ्री बिजली देंगे। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की बात थी, जो 7वां पे कमीशन जो है आधा अधूरा इन्होंने वो लगाया, लागू किया, जो है चारे 1 जनवरी 2016 से मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, वो 6,000 करोड़ के करीब बनता है, वो इन्होंने नहीं दिया। और जो इनका वायदा था, हमने फैसला किया था कैबिनेट में कि हरियाणा के एम्प्लॉयज़ को पंजाब का स्केल मिलेगा, वो इन्होंने